ये बात ध्यान रखिएगा कि इक्विटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल रीजन है इसका ऊपर जाने का। और वहाँ सीए बैठे थे तो वो बात समझ पा रहे थे कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कुछ परसेंटेज डिविडेंड देती है, कुछ परसेंटेज रिटेन अर्निंग के रूप में रह जाता है। वही रिटेन अर्निंग वो फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करती है, फ्यूचर केपेक्स के लिए यूज़ करती है, और उससे और पैसा कमाती है, उसमें से कुछ डिविडेंड जाता है, कुछ रह जाता है। तो ये जो रिटेन अर्निंग धीरे 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 रह कितना बड़ा हो गया, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? स्टॉक प्राइस पे। तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा बिकॉज थियोरेटिकली इसको ऊपर ही जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली शेयर बाजार का यही कॉन्सेप्ट है कि ये ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर आप देखो ईयरली बेसिस पे, जैसे यूएस मार्केट का ईयरली बेसिस पे सबसे ज़्यादा चांस है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत कम टाइम पे होता है कि मार्केट सालों ना साल नेगेटिव बंद होता है, और इंडियन मार्केट भी मोटा मोटी ऐसा ही है डेटा।